नमस्कार। आज के सत्र में औपचारिक रूप से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। सत्याग्रह का ये जो एक घंटे का सत्र है, हमारे मित्र बॉबी रमाकांत, अंकित गोयल, सिमरन कौर, हरलीन संधु, ऐसे बहुत सारे साथी इसको चला रहे हैं। और ये अब मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया है जब से ये चल रहा है। और इसमें कई लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। पहले हमने इसको इसका नाम दिया था वॉइसेस फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, लेकिन जैसे जैसे और उस लिहाज से पहले पंजाब हरियाणा के ही ज्यादा लोग आते थे, लेकिन अब जो है अब इसमें पूरे देश के लोग जुड़ने लगे हैं। और हमने अब सिर्फ आंदोलन पे बात करने के बाद इधर कुछ जब से पंकज भाई और इस तरह के साथी इसमें आने लगे हैं, कुछ वैचारिक बातें भी शुरू की हैं। और हम चाहते हैं कि ये इसकी आंदोलन हमें एक बहुत बेहतर मौका दे रहा है, जबकि इस देश की राजनीति, इस देश की अर्थनीति, हमारे समाज में जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, ऐसी बहुत सारी चीजों पे इस समय हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक तरीके से जो पूरा विकास का मॉडल है उसके ऊपर ये आंदोलन हमें हमें एक मौका दे रहा है पुनर्विचार करने का। और जब हम लोग वहां जाते हैं धरना स्थल पे, तो आप देखिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे तो ये सिख धर्म का ही होता है कि जहां भी लंगर चलता है वहां किसी भी भेदभाव के बिना सबका स्वागत होता है। ये सिख धर्म की एक विशेष परंपरा है जो अन्य किसी धर्म में नहीं है। सम्मान के साथ जिस तरह से भोजन कराया जाता है बिना किसी का जाति धर्म पूछे हुए, क्योंकि जो बाकी धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, वहां जो कुछ भी दिया जाता है वो भीख के रूप में दिया जाता है, और यहाँ पे जो सम्मान के साथ दिया जाता है। और इस आंदोलन में तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि जरूरत की अन्य सारी चीजें भी वहां पे आपको उपलब्ध है निशुल्क। तो एक तरीके से पूरी समाजवादी व्यवस्था वहां पे है, और लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अस्थाई निवास बना के रह रहे हैं। गांव से सब्जी, अनाज, तमाम चीजें आ रही हैं, और दूध, बल्कि और भी जो काजू, किशमिश वगैरह इस तरह की भी चीजें कई बार आती हैं, जिसको लेके ये टिप्पणियां भी हुई हैं कि ये तो किसान नहीं है, बहुत संपन्न लोग हैं। लेकिन ये हकीकत है कि किसान आंदोलन को जो ग्रामीण इलाका है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो लगातार वहां वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है, जिससे कि आंदोलन में भाग लेने वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि रघु जी अभी जुड़े हैं क्या हमारे साथ, क्योंकि मैं 2 खिड़कियां देख रहा हूँ जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन लोग हैं। क्या रघु जी जुड़ गए हैं? रघु भाई, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो हम उनको देखेंगे, हम उनके साथ बातचीत शुरू करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि आज के सत्र का जो एक तरीके से संचालन करने वाले थे पंकज पुष्कर साहब, हालांकि इनका एक साक्षात्कार हो चुका है सत्याग्रह पे, लेकिन इनके पास इतनी बातें हैं करने को कि एक सत्र में इनकी सारी बात आ ही नहीं सकती। तो मैं पंकज भाई से बात शुरू करता हूँ कि पंकज भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 3 कानूनों तक का सवाल नहीं है, अब ये एक बड़ी बात है, ये देश की पूरी दिशा बदल सकने की इसमें एक क्षमता है? और ऐसा एक संदेश अंकित गोयल का आया है कि रघु जी जुड़ गए। तो रघु जी, आपको हमारी बात सुनाई पड़ रही है? रघु भाई, रघु जी, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं?
रघु भाई जरा आप अपना माइक ऑन करके हमें बताइए कि आप हमारी बात सुन पा रहे हैं क्या, क्योंकि अगर आप ये एक नंबर के साथ जुड़े हैं तो उस नंबर वाला माइक ऑफ है और उसका वीडियो भी ऑफ है, तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो आप ही हैं कि कोई और है। हाँ, अब ये ऑन हुआ जी। रघु भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब आ रही है आपकी आवाज। जी 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 ठीक है। तो चलिए, मैंने बातचीत शुरू की थी पंकज जी के साथ, तो पंकज जी मेरे सवाल का उत्तर देते हुए और फिर रघु जी से बातचीत प्रारंभ करें। बहुत बहुत जिंदाबाद रघु भाई और संदीप भाई, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ मेरे बहुत ही बढ़िया जमीनी और सच्चे पत्रकार देशघातक समाचार के इस मलिक साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने और हमने मिलके बहुत संघर्ष, बड़े आंदोलन साथ किए हैं। तो जो सवाल संदीप पांडे जी ने किया और रघु भाई जी की प्रतीक्षा में जो हम बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज का जो एक किसान आंदोलन है वो केवल 3 कानूनों तक सीमित नहीं है। संदीप भाई की टिप्पणी थी, मैं दोहराता हूँ कि इसके अंदर देश की विकास का क्या रास्ता रहेगा, विकास का क्या मॉडल रहेगा, राजनीति किस रास्ते पर जाएगी, उसकी दिशा को बदलने की इसमें क्षमता है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि देश की राजनीति किस तरफ जाएगी उसकी दिशा, मैं कहूंगा कि एक तरीके से 90 के दशक के बाद बदल दी गई है। उस बदलाव में बहुत अधिक तेजी पिछले 6 वर्षों में आई है और लगभग एक घनघोर किस्म का क्रोनी कैपिटलिज्म, चंद घरानों की मुट्ठी में कैद रहने वाला पूंजीवाद ने पूरे देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी के अंदर जकड़ लिया है। सर्वोच्च न्यायालय लगभग अपनी स्वायत्तता खोने के कगार पर पहुंचा है। मीडिया का जो दायित्व था वो मीडिया उससे बिल्कुल दूर जा चुका है। राजनीतिक दलों की जो स्वायत्तता है वो खत्म हो चुकी है। राजनीतिक दलों के अंदर तो विविधता होती है, वो अलग अलग विचारों का, अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो करना उन्होंने बंद कर दिया है। और बाहर से अलग अलग दिखने के बाद भी अधिकतर बड़े राजनीतिक दल अंदर से बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। तो एक तरह से पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, शहीदों के सपने और संविधान का, उसको एक बहुत गंभीर चुनौती मिली, उसको कई चोट मिली है। उस चोट को, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को ध्यान में रख के वो कौन होगा कि उस संविधान के दायित्व को, संविधान की मर्यादा को और राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को जीवित करेगा। बहुत सारे छोटे बड़े जनसंगठन और आंदोलन वो काम करने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल भी हुए हैं जो चुनावी राजनीति में भाग लेते हुए लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान की गरिमा और भारतीय जनता की आवाज को प्रबलता से आगे ले जाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। उस गंभीर चुनौती के बीच आज का आंदोलन कुछ आशा की किरण दिखाता है। तो निश्चित रूप से अब हम इस बात को अपने रघु ठाकुर जी, जो कि भारत की आजादी के आंदोलन की सीधे विरासत से निकल कर आते हैं, भारत का की राजनीतिक दिशा क्या होगी, वो क्या समाज में सबको साथ लेके चलेगी, क्या वो जाति की जो एक चुनौती है, जातिवाद विभेद की, उसको दूर करने को चुनौती मानेगी, आर्थिक रूप से समता की तरफ बढ़ेगी। ये जो पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है, धारा है, संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का प्राण है, उस राजनीति को अपने पूरे जीवन जिन लोगों ने जिया है, रघु ठाकुर जी आप उनमें से एक हैं। मैं अपने सारे नौजवान साथियों को ये बात कहना चाहूंगा कि रघु ठाकुर जी का हमारे साथ होना एक तरह से पिछले 30 वर्षों के 40 वर्षों के लोक धर्म का, राजनीति के धर्म का, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत का हमारे साथ होना है। संदीप पांडे जी का हमारे साथ होना एक किस तरह से एक सर्वोच्च स्तर का वैज्ञानिक मस्तिष्क, जीवन के अंदर कैसे गुणात्मकता लाई जाए और राजनीतिक संघर्षों के साथ उस संविधान की मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है। हम इनसे संवाद में उतरे तो मैं कुछ, रघु ठाकुर जी मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि मैं कुछ प्रश्न एक साथ आपके सामने रखूंगा और फिर उनको हम दोहराएंगे। मैं निवेदन ये करूंगा कि आज की बातचीत जो अगले 25-30-40 मिनट हमारे पास रहेगी वो 2 हिस्सों में होगी। एक हिस्से में मैं आपसे कुछ अनुरोध करूंगा और दूसरे हिस्से में संदीप भाई कुछ आपसे अनुरोध करेंगे।
और हम चाहेंगे कि पहले हिस्से में आप सवालों के कुछ संक्षेप में उत्तर दें, मतलब कुछ मुद्दे हमारे नौजवानों के सामने, हमारे राजनीतिक साथियों और कार्यकर्ताओं के सामने, उन सवालों के जो सबसे पहले जवाब आपके मन में आते हैं, एक मुद्दा, दो मुद्दे, तीन मुद्दे वो रखें। मैं सवाल फिर अगला सवाल रखूंगा और फिर आपसे कुछ, संदीप पांडे जी उन सारे आपके उत्तरों में से कुछ बिंदु उठाएंगे जिस पर कि हम आपसे एक लंबा बयान, एक लंबा आपका दृष्टिकोण सुनना समझना चाहेंगे, कुछ प्रश्नों के हम विस्तृत उत्तर आपसे चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा, जिससे कि आज जैसे टीवी की भाषा शैली में बात करते, थोड़ा तेज गति से कुछ सवाल और कुछ जवाब आपसे हम चाहेंगे। तो अगर आदरणीय रघु ठाकुर जी मुझे अनुमति दें, संदीप भाई अनुमति दें, तो मैं इस तरीके से सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि आपने पिछले 40 साल इस देश को बनते बिगड़ते हुए हर कदम के आप के साथ आप चले हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के आप सहभागी रहे हैं। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज के किसान आंदोलन में आप अनूठा क्या देखते, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो कि अभी तक के आंदोलनों में आप नहीं देखते थे? अगर कोई अतिरिक्त आशा की किरण है वो है तो क्या, सभी शब्दों में आप इसमें क्या क्या तीन चार चीजें या दो तीन चीजें देखते हैं जो कि कुछ इसको उल्लेखनीय बनाती है? किसान आंदोलन में मैं मेरे विचार को महसूस कर रहा हूँ कि इसमें एक इस प्रकार की आंतरिक जिज्ञासा है और ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि किसान लोग कुछ सुगठित मुद्दों को लेकर के खड़े हुए हैं और अपनी सामर्थ्य से, अपने साधनों से और अपनी ताकत से खड़े हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अभी सारी दिशा उनके पास में है या दिशा पूरी स्पष्ट है, परंतु कम से कम एक परिस्थिति का ऐसा निर्माण हुआ है कि इस आंदोलन को एक दिशा मिल सकती है और आंदोलन एक ऐसे निर्णायक मुकाम पर जा सकता है जो हिंदुस्तान की व्यवस्था को बदलने की आधारशिला बन सकता है। यह इस अर्थ में अनूठा आंदोलन है कि जो किसी भी प्रकार की बाह्य ताकत की चिंता नहीं करता है। सरकार को भी चुनौती दी गई है, मीडिया का भी विकल्प खड़ा किया गया है, साधनों का भी विकल्प अपने अंदर से खोजा गया है और किसी प्रकार की आलोचना की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य के ऊपर संकल्पित होकर चल रहा है। ये इसकी सबसे अनूठी विशेषता है और इतने लंबे समय तक आंदोलन का टिक पाना ये इस सरकार की ही अपने आप का सरकार को चुनौती भी और सरकार की असफलता का प्रमाण भी, क्योंकि सरकार के चलाने वालों की उम्मीद ये थी, उनका कल्पना ये थी कि 10-20 दिन में, एक महीने में, दो महीने चले जाएंगे, परंतु अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये लोग तब जाएंगे जब आप चले जाएंगे, इन्हें या तो दिल्ली की गद्दी जाएगी या फिर किसान जाएगा, तो दोनों में से कोई चीज बचेगी, तो इसलिए अपने आप में अनूठा आंदोलन है। इस अर्थ में भी अनूठा आंदोलन है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि इसमें केवल एक पीढ़ी शामिल नहीं है, ये पहला ऐसा आंदोलन है इसमें चार पीढ़ियां शामिल है, जिन्हें 70 साल 80 साल का वृद्ध भी शामिल है, 50-60 साल वाला भी शामिल है, 25 साल वाला पढ़ा लिखा गैर पढ़ा लिखा नौजवान भी शामिल है और छोटे छोटे बच्चे जो कल का भविष्य है अब वो भी सत्याग्रह के रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर जा रहे हैं, चार चार पीढ़ियां हैं। तो ये जो बदलाव है, बदलाव को एक में चार मानना चाहिए, यानी ये बदलाव चार गुना होने वाला है, दूसरे भी एक अपने आप में अनूठा आंदोलन है। तीसरा अनूठा आंदोलन मैं इस प्रकार से मानता हूँ कि ये बाह्य हवाओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। बहुत प्रकार की बाह्य हवाएं चलती रहती है, परंतु आंदोलन अपने गए दृढ़ है, किसान अपने गए दृढ़ है और राजनीतिक दल तो पहले ही एक प्रकार से असंगत हो चुके हैं। जो किसान नेता है आज उनको भी संदेश किसानों ने दे दिया है कि रास्ते से भटकोगे तो आप भी उसी प्रकार से असंगत होगे। तो ये सही मायने में परेशान करने वाले, मेहनत करने वाले किसान की जिज्ञासा का आंदोलन है। इसने आपने संक्षिप्त उत्तर का दिया, संक्षिप्त किया है नहीं, आपने एक एक शब्द जो कहा, एक एक जो आपने संकेत किया है वो बड़ा अर्थवान है और मेरे ख्याल से उसके विस्तार में जाने की जरूरत होगी। निश्चित रूप से आपने बात की कि इसमें विविधता है, इसमें अनेक पीढ़ियां हैं, बाहर से प्रभावित ना होने का एक आत्मबल है, बहुत अर्थपूर्ण बातें हैं। इसमें से जो जरूरी समझेंगे संदीप भाई इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने बहुत धूप और छांव देखी है, आपने बहुत उतार चढ़ाव भारत के गणतंत्र की पूरी जीवन यात्रा में देखी है। आज भी ये आंदोलन या कोई भी आंदोलन भारत के ऊपर जो फासीवाद का आक्रमण है, साम्राज्यवाद का आक्रमण है, भारत की जो
भारत नाम की जो विचार है, भारत नाम की सच्चाई पर जो हमला है, उस हमले से पूरी तरह बाहर नहीं आ चुका है। चुनौतियां क्या है, क्या चीजें हैं जिनकी आज हमको बहुत ताकत महसूस होती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, कुछ चुनौतियां हैं उनका जवाब खोजने की जरूरत है, वो क्या चुनौतियां हैं? जी आपको देना है, रघु भाई जी आपको देना है, रघु ठाकुर जी आपको ही उत्तर देना है, सतीश भाई 20 मिनट बाद जुड़ेंगे। आप थोड़े एक बार दोबारा रिपीट करें इसको। हाँ मेरा प्रश्न ये है, दोहराइए। जी जी जी, ये अनूठा आपने बताया, इसके सबल पक्ष बताए आपने, लेकिन भारत गणतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं, जिसका जवाब देने की कोशिश ये किसान आंदोलन करता है, उसको आगे किस तरह से और क्या चुनौतियां हैं जिनका की ध्यान रखने की जरूरत है, और क्या प्रश्न है जिनके उत्तर खोजने की जरूरत है, चुनौतियां क्या है? जो आंदोलन है, ये आंदोलन तो मजबूत करने वाला आंदोलन है, इसलिए कि जिस आंदोलन में सारे के सारे आंदोलनकर्ता बैठ के निर्णय करते हो, इससे बड़ा जीवंत लोकतंत्र का पवन क्या हो सकता है। तो इस आंदोलन से कोई तानाशाही भी बन नहीं सकती, यह आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं बचा है, बल्कि इस आंदोलन में सारे किसान साथ बैठ के निर्णय कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जो आंदोलन खासकर महात्मा गांधी के आंदोलन के बाद में, या कुछ कहना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया के आंदोलन के बाद में जो आंदोलन हुए हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी। ये वो आंदोलन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी उतनी ही है। मुझे लग रहा है कि रघु ठाकुर जी का नेटवर्क की कोई दिक्कत है, तो इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ, संदीप भाई आप किस तरह से देखते हैं, आपने भी बहुत लंबा सामाजिक संघर्ष का जीवन जिया है, इस प्रश्न को रघु ठाकुर जी अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर देंगे, लेकिन मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ और मैं भी अपनी संवाद की जिम्मेदारी निभाता हूँ, बाकी साथी भी कहेंगे कि क्या एक प्रश्न ये और आगे का प्रश्न भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल है भारत में, राजनीतिक दलों का जिस तरह विकास हुआ है, जी रघु ठाकुर जी ज्वाइन कर गए हैं, मैं अभी आपका म्यूट दिखाई दे रहा है, आदरणीय रघु ठाकुर जी आपका स्पीकर ऑफ है, मैं आदरणीय रघु ठाकुर जी से उनको संदेश पहुंचे कि वो अपनी बात पूरी कर सके, संदीप भाई फिर उसमें कुछ जोड़ सके। रघु जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, रघु जी अपना माइक ऑन कीजिए, माइक ठीक हो सकता है, कुछ क्षण अभी लगे रघु ठाकुर जी को, मैं संदीप भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो उसका अपना दृष्टिकोण जरूर रखें। जी जी मैं पंकज भाई ये समझता हूँ कि इस आंदोलन के सामने जो चुनौती है वो ये है, जैसा कि सब लोग समझ रहे हैं कि अब ये सरकार इस आंदोलन की एक एक ये बड़ी उपलब्धि रही है कि अब देश अब सबको ये समझ में आ गया है कि ये जो हमारी सरकार है वो पूंजीपतियों की एक तरीके से गुलाम बन गई है, और हम सब ने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनावी चंदे के नियमों में फेरबदल करके अब एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि कोई भी पूंजीपति किसी भी दल को कितना भी पैसा दे सकता है, और ये पूरी व्यवस्था अपारदर्शी, तो अडानी अंबानी ने कितना पैसा दिया है इसकी अब कोई जानकारी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है, लोग अब कहते हैं कि शायद मोदी जी ने कुछ वायदा किया हुआ है अडानी और अंबानी को, जिससे वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं, और इसलिए वो किसानों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब से ये सरकार आई है, और इसका अंदाजा हम लोगों को पहले से ही था कि देश के पूंजीपति वर्ग ने इस सरकार को वो लेके आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो नव उदारवादी नीतियां हैं वो ये सरकार उनके लिए बेहतर
तरीके से उनको उनका क्रियान्वयन कर पाएगी। और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसी समय एक वाइब्रेंट गुजरात नाम के सम्मेलन में ऐसा बताया जाता है कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों ने नरेंद्र मोदी के नाम पे मोहर लगा दी थी कि वो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो पूंजीपतियों की मदद करेंगे। रघु भाई आप अपना माइक ऑन कीजिए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ये पैसे वालों ने नरेंद्र मोदी के बहाने इस देश पे कब्जा कर लिया और ये व्यवस्था अब उनकी कितनी गुलाम है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने आते हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज से नहीं आते हैं, वो अडानी के जहाज से आते हैं। आप उस दिन की तस्वीर देखिए जब नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली है प्रधानमंत्री की और जब वो हवाई जहाज से उतर रहे हैं उस पर साफ लिखा है अडानी जी। और जियो के फोन में वो विज्ञापन में आते हैं और जब मुकेश अंबानी के अस्पताल का वो उद्घाटन करने जाते हैं तो नरेंद्र मोदी का हाथ मुकेश अंबानी की पीठ पे नहीं है बल्कि मुकेश अंबानी का हाथ नरेंद्र मोदी की पीठ पे। और कोई आदमी प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए डीएम की पीठ पे भी हाथ नहीं रख सकता है। तो ये क्या रिश्ता है इनका, ये बहुत साफ है। और हमें लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी व्यवस्था जो अब पूंजीपतियों की गुलाम हो गई है उससे वो कैसे निकल के और किसानों के पक्ष में निर्णय ले, ये पता नहीं इस सरकार के लिए संभव है भी कि नहीं। जैसा रघु जी कह रहे थे कि शायद अब ये सरकार ही जाएगी इसके पहले कि किसान वापस लौटे, नहीं तो ये सरकार कैसे निर्णय लेगी ये समझ में नहीं आ रहा इसका क्या रास्ता हो। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि ये कानून वापस नहीं होंगे और वो समझाने वाले मोड में है, मतलब वो अभी भी मान रहे हैं कि किसानों ने कानून को समझा नहीं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश की जनता समझ गई है कि आप पूंजीपतियों के गुलाम बन गए, आप अडानी अंबानी के हित में नीतियां बना रहे हैं और उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं बड़े शर्म की बात है, इस किसान आंदोलन के दौरान लखनऊ का एयरपोर्ट जो चौधरी चरण सिंह के नाम पे बनाया गया है उसका नामकरण हुआ है। चौधरी चरण सिंह इस देश के एकमात्र राजनेता है शायद देवगौड़ा को छोड़ के जिनकी जिनकी छवि एक किसान नेता की है, उनके नाम पे लखनऊ एयरपोर्ट का नाम, उनके नाम की जगह आप लखनऊ एयरपोर्ट में आप अंदर जाइए तो वहां बोर्ड लगा हुआ है अडानी एयरपोर्ट। ये किसान आंदोलन के दौरान हुआ है। तो जब ये सरकार चौधरी चरण सिंह का भी सम्मान नहीं कर सकती जो इस देश के सबसे बड़े किसान राजनेता रहे हैं तो फिर आप समझिए कि इस सरकार की क्या मजबूरी है। मैं चाहूंगा कि रघु जी आ गए, रघु जी का माइक भी ऑन हो गया है। अब रघु जी आप अपनी बात रखें, इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। रघु भाई सबसे बड़ी चुनौती वो आंदोलन को अकेले किसान आंदोलन से हटकर के पूरे भारत का आंदोलन बनना है। पूरे भारत के आंदोलन बनने का मतलब ये है कि समग्र व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था है। तो मेरे दृष्टि से सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये सरकार जो पूंजीपतियों की गुलाम बन गई है। और जो दूसरी बड़ी चुनौती लगती है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय लेने का तरीका है उसमें कहीं संवाद की या बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप इनके सारे निर्णय देखें, चाहे वो नोटबंदी वाला निर्णय रहा हो या कश्मीर का निर्णय हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम वाला निर्णय हो, जीएसटी को लागू करने का निर्णय हो या कोरोना की वजह से लॉकडाउन को लागू करने का निर्णय हो या पर्यावरण प्रभाव आकलन की जो व्यवस्था है उसके नियमों में फेरबदल
का सवाल हो, ये सारे निर्णय जिस तरह से लिए गए हैं उसमें कहीं कोई जनता से कोई संवाद नहीं। कम से कम मनमोहन सिंह की सरकार में एक एक सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, जिसके माध्यम से कम जनता की कुछ बात सरकार तक पहुंचती थी, चाहे वो अरुणा रॉय के माध्यम से या जॉन ड्रेस के माध्यम से, हर्ष कुंदर के माध्यम से। और उस समय बहुत ऐसे कानून भी बने जिनका फायदा जनता को मिला, सूचना के अधिकार का कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और जो आदिवासियों के लिए जो वन अधिकार कानून बना, जिसको मनमोहन सिंह की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है आम जनता की दृष्टि से। तो उस तरह की जो गुंजाइश मनमोहन सिंह की सरकार में थी, हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार भी कुल मिला के इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही थी, और जैसा एक दिन नरेंद्र मोदी ने संसद में कह दिया था कि ये काम तो मनमोहन सिंह ही करने वाले थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसको इन्होंने किया। लेकिन नीतियों की दिशा वही थी जो नव उदारवादी नीतियां हैं, निजीकरण तेजी से बढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको अतिरिक्त तेजी से बढ़ा दिया है और ऐसे क्षेत्रों को भी निजी पूंजी के लिए खोल दिया है जो पहले नहीं थे, जैसे रक्षा का क्षेत्र है, बीमा का क्षेत्र है, और रेलवे का निजीकरण शुरू कर दिया जिसकी कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो ये जो इनके निर्णय लेने का तरीका है, इसमें भी ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप इनके साथ संवाद कैसे करें। संवाद सारा हो रहा है कृषि मंत्री के साथ, और ये तो हमने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के अनशन के समय में देखा कि इस सरकार में प्रधानमंत्री को छोड़ के किसी से कोई संवाद का मतलब ही नहीं। नरेंद्र मोदी को प्रोफेसर अग्रवाल ने 4 चिट्ठियां लिखी थी और एक का भी जवाब उनको नहीं मिला, और अंत 112 दिन के उपवास के बाद उनका निधन हो गया, और तब जाके नरेंद्र मोदी ने एक शोक संदेश ट्वीट किया। तो सरकार के साथ संवाद संभव नहीं है, ये बड़ी दिक्कत, ये भी एक आंदोलन की बड़ी चुनौती। तो रघु भाई आप जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, अब आ रही है, रघु भाई की आवाज आ रही है। मैं एक नए प्रश्न को सामने रखते हुए बात आगे बढ़ाता हूँ, और पहले रघु भाई बोलेंगे, और अगर कुछ नेटवर्क की दिक्कत हुई तो उस बात को आगे संदीप भाई बढ़ाएंगे। मैं सवाल ये रखना चाहता हूँ, रघु भाई आपने पूरे भारतीय राजनीतिक गाथा की वो दौर देखा है जब गैर कांग्रेसवाद की बात हुई, डॉक्टर लोहिया जी ने भारत में जब भी एक दल के साम्राज्य, एक दल के आधिपत्य की संभावना या दुर्भावना पैदा हुई तो उसकी चुनौती रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जनता की आवाज को मजबूत रखने का एक रास्ता निकाला, और उसके बाद से आज तक की यात्रा ये है कि आज हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं कि राजनीतिक दलों की प्रासंगिकता और स्वायत्तता खतरे में पड़ गई है। भारत की जितनी संवैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता और उनका असर कम से कम होता जा रहा है। आज हम कहां खड़े हैं, और आज भारत के राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है उसके सामने क्या संभावनाएं हैं, कहां से रास्ता निकले? क्या हम किसी ऐसी कल्पना की तरफ बढ़ रहे हैं कि जैसे कि दक्षिणी अमेरिका के एक देश वो मोरलेस हुआ जिसने कि सभी देश के आदिम जातियों, आदिवासी जातियों, समुदायों, वन जंगलों में रहने वाले लोग और आंदोलन करने वाले लोगों का एक समूह बनाया और उन्होंने राजनीतिक दलों का विकल्प बनाया, और राजनीतिक दलों जो पारंपरिक दलों को पीछे धकेलते हुए जनता का एक मोर्चा, जनता की सामूहिकता आगे बढ़ी। या आप देखते हैं कि भारत के जो दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग भारतीय संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया है, बाकी दलों को आप क्या पुरानी गलतियों को से सबक सीखते हुए देखते हैं? अभी हमने राहुल गांधी का एक बयान देखा कि वो आपातकाल पर अपनी नानी की गई गलतियों को, अपने दादी की गई गलतियों को स्वीकारते दिखाई देते हैं। क्या आप भारत के अन्य राजनीतिक दलों में वो सीखने की संभावना देखते हैं, और कैसे आज के राजनीतिक दलों का, आज का युग धर्म तय हो, छोटी शक्तियां हो, बड़ी शक्तियां हो, कैसे आज भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के ऊपर खतरा है, इसमें कैसे दायित्व निभाया जाए? राजनीतिक दलों पर आप टिप्पणी करें,
और वो आपका बिल्कुल अनुभव का विशेष क्षेत्र है, रास्ता कहाँ से निकलता है? रघु ठाकुर जी, कहना चाहता हूँ कि ये जो आपसे कुमारी कर दी रणनीति शुरू हुई थी और जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट हुआ था इंसान में, ये समझौता कोई एक साल दो साल का नहीं है, बल्कि समझौता समूची सदी का और समूची दुनिया को प्रभावित करता है। जितने भी आज संसदीय दल है, हो सकता है कभी इस चुनाव आंदोलन से लाभ उठाने के लिए कुछ उनके स्वर भर दिए हो, परंतु अभी तक उनका जो आचरण संसद में या संसद के बाहर रहा है उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का रहा है। और सारी पार्टियों को विरोध चल करके पहुंचे, यहाँ तक कि जिन पार्टियों के साथ हमारा भी संबंध रहा उनकी भी लोग जब पहुंचे तो उन्होंने जाके यही कहा कि करना। संदीप भाई, आपने सवाल सुना होगा, मैं आपके सामने वो सवाल रखता हूँ। आज नेटवर्क की दिक्कत रघु ठाकुर जी की तरफ से आ रही है, मेरा निवेदन ये है कि क्या आपको भारत के जो संविधान में विश्वास रखने वाले दल है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल नहीं है, बाकी दलों में कुछ सीखने की संभावना दिखाई देती है, नई तरह के जन मोर्चा बनने की संभावना नजर आती है, राजनीतिक दलों में एक बेहतर तालमेल बनने की संभावना नजर आती है, आज की चुनौतियों का जवाब राजनीतिक दल किस तरह से देंगे, किस तरह से दे रहे हैं, आपकी क्या टिप्पणी? पंकज भाई, भारतीय जनता पार्टी तो जैसा आपने खुद ही इसको अलग कर दिया है इस सवाल से ही, उसमें तो ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन बाकी दलों में थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भी है, ये भी मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को भी देखा है और कांग्रेस भी की सरकार भी कुल मिला के इसी तरह की नीतियों को आगे बढ़ा रही थी। रघु जी जुड़े हुए, जरा इनसे पूछ लिया जाए कि वो अभी जी, रघु भाई आप बोल सकते हैं क्या? रघु भाई जी के माइक से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, नेटवर्क कुछ कमजोर है, आवाज साफ नहीं आ रही है रघु भाई जी की। रघु ठाकुर जी की आवाज दी है। जी बताइए जी, बोलिए रघु भाई। अभी आवाज आ रही है, तो एग्रीमेंट को पालन करना है। पिछली सरकार में और इस सरकार में फर्क है, तो पिछली सरकार लिबरल कारपेट की सरकार थी, ये सरकार पूरे मिला के दोनों में व्यक्तिगत आग्रह का थोड़ा और तरीके में फर्क है, परंतु बकाया नीतियों में कोई बुनियादी या कोई बहुत विशेष अंतर नहीं। दूसरी बात जो पंकज जी ने भी कही यहाँ पर, मैं एक बात को थोड़ा सा सावधान करके अपनी आगे की बात पढ़ाऊंगा कि अभी दुनिया में कारपेट ने एक और कदम आगे बढ़ा है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लंदन के अखबार में एक बड़ा लेख छापा गया है, उसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज फेल्ड, और डेमोक्रेसी जो है ये तो केवल अपीजमेंट का साधन बन गई है, इसलिए भी कोई भी प्रकार की डिक्टेटरशिप हो, वो चाहे चीन के पैटर्न की हो, रूस के पैटर्न की हो, बर्मा के पैटर्न की हो, वो डिक्टेटरशिप ठीक है। तो कारपेट ने अभी दुनिया में एक नया दर्शन फैलाना शुरू कर दिया है कि अभी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए उनके लिए, अब उनको कोई ना कोई प्रकार की तानाशाही चाहिए, वो सैन्य तानाशाही हो, दलित तानाशाही हो, व्यक्ति तानाशाही हो, परिवार तानाशाही हो, एक समूह की तानाशाही हो, पर तानाशाही चाहिए ताकि उनका उद्देश्य हर हो पाए। तो अब ऐसे स्थितियों में हमको बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। संदीप भाई ने जैसे और अभी पंकज जी ने थोड़ा सा उत्साह प्रकट किया है राहुल जी के बयान के बारे में, मेरा उनसे कोई संपर्क परिचय तो आज तक नहीं हो पाया है और मैं जानता भी नहीं कि हो पाएगा। बहरहाल पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि गैर कांग्रेसवाद में और आज की परिस्थितियों में बड़ा फर्क यह है कि गैर कांग्रेसवाद का जब कल्पना लोहिया ने की थी तो उन्होंने उसके तीन बिंदु रखे थे। नंबर एक बिंदु रखा था कि गैर कांग्रेसवाद एक वक्ती रणनीति है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, और इसका जो उद्देश्य है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सब लोग मिलकर जनता के बीच में जाके कैंपेन करें और कैंपेन करके अपने कार्यक्रम को बताएं। नंबर दो, अगर कभी सरकारें बन जाए, बिली हुई सरकारें बन जाए, तो उसके ऊपर अमल किया जाए, अगर समय सीमा के काम नहीं होता है सरकार को जाके जनता के बीच में जाया जाए। गैर बात को आज गैर बात को आज में बदल
सबसे इस पार्टी के नेताओं को और राहुल को पता है। अच्छा क्या उन्होंने कहा कि भाई के आपत्ता लगाना गलत था, चलिए मैंने मान लिया, परंतु क्या वो कार्यक्रम के लिए कोई मोर्चा बनाने को तैयार है? अगर वो मोर्चा बनाने के लिए कार्यक्रम पर आधारित कोई चर्चा करने को तैयार है तो मैं खुलेआम देखिए कभी भी कोई काम चोरी से छिपके नहीं करना चाहिए। मैं कोई काम छिपके नहीं करना चाहता, वो मैं छिप करूंगा मैं नहीं, क्योंकि हमको जो गांधी ने और लोहिया ने सबसे बड़ा मंत्र दिया है कि कोई भी रणनीति को अख्तियार करो पर जो करना हो उसको खुल के करो ताकि उसके भीतर कोई पाप। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि इस पर बातचीत हो तो मैं उस बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि तो उसके तैयार हुए, परंतु वो बातचीत करके कार्यक्रम तय करें, कार्यक्रम तय करके फिर निकले, हम लोग भी साथ चले, वो भी साथ चले, चल के हम लोग जनता में प्रतिबद्धता जाए। रघु भाई आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है, रघु ठाकुर जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, हालांकि कुछ बिंदु आपके स्पष्ट जरूर हो गए। संदीप भाई और बाकी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आज की बातचीत को हमको एक थोड़ा उसमें से सारांश निकाल के अभी रोकना चाहिए, और लिखित में याद दिला दूं कि कुछ अति महत्वपूर्ण बातें रघु भाई ने की है। उन्होंने आजादी के बाद लोहिया जी की जो गैर कांग्रेसवाद की के पीछे जो नजरिया था उसको स्पष्ट करते हुए आज का क्या एक संदर्भ हो सकता है, आज का क्या सबक हो सकता है, रघु ठाकुर जी ने बात को रखा, हालांकि उनकी आवाज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं आ रही थी, लेकिन जितना मैं गैदर कर चुका हूँ उन्होंने बताया कि वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को डेवलप करने की एक दृष्टिकोण था, एक वक्त की रणनीति थी और उसमें अमल महत्वपूर्ण था, जो कार्यक्रम स्वीकृत किया गया उस पर अमल किसी भी गठजोड़ का किसी गठबंधन का बुनियादी आधार होगा और वैसा आज भी करने की आवश्यकता रघु ठाकुर जी ने बताई। और उन्होंने कहा कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा, राहुल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज भी आज की कांग्रेस भारत के लोकतंत्र को संविधान को सर्वोपरि मानते हुए कार्यक्रम पर बात करना चाहती है तो स्वयं रघु ठाकुर जी और उन जैसे सभी लोकतंत्र के सिपाही उस संवाद में शामिल होने के लिए उनको तत्पर होना चाहिए। वो होंगे लेकिन वो होगा कार्यक्रम आधारित, वो व्यक्ति आधारित नहीं हो सकता, वो दल केंद्रित नहीं हो सकता, कार्यक्रम आधारित होगा, अमल पर आधारित होगा और उसका संदर्भ खुली राजनीति होगा, कुछ छुपी राजनीति नहीं होगा। उन्होंने राजनीतिक शिक्षिता राजनीतिक नैतिकता के एक बहुत बड़े बिंदु की तरफ संकेत किया। तो ये आज की बातचीत का मुझको लगता है टेक अवे है, आज की राजनीति आज के संवाद का कुछ बुनियादी हमारी आज की प्राप्ति है जिसको कि किसी बेहतर संवाद में हमें आने वाले दिनों में ढालना चाहिए। एक बार फिर रघु ठाकुर जी से अनुरोध करना चाहिए कि वो किसी बेहतर उनके साथ कुछ युवा साथी हों जो कि इस नेटवर्क के काम को संवाद को सुनिश्चित करने के काम को सुनिश्चित करें, उसको फैसिलिटेट करें, और हम उनसे बहुत बात करना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को, रघु ठाकुर जी के भी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब रघु ठाकुर जी बोलते हैं तो मुझे लगता है संदीप भाई बोलते हैं तो भारत के संविधान में भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली हर राजनीतिक दल उसके हर राजनीतिक कर्ता के लिए एक अध्यापक बोल रहा होता है। इस अवसर को हम बढ़ाएं और विस्तृत करें और बाकी अन्य संस्थाओं से भी बेहतर संवाद करें। मैं अपनी तरफ से ये बात कहकर यहाँ रुकना चाहूंगा, संदीप भाई अपना कुछ बात आगे रखें, कुछ और प्रश्न पूछें और इस संवाद को हम आज पूर्ण न माने, पूर्णाहुति न माने, इस संवाद के आगे बढ़ाने का हम आगे का किसी और दिन निश्चित करें। आगे की बातचीत के लिए संदीप पांडे जी। जी पंकज भाई धन्यवाद। आज का तो रघु जी का मैं देखता हूँ वो फिर वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, अगर वो जुड़ते हैं तो एक मौका उनको और देंगे, और नहीं तो हमें लगता है कि इसको हमें फिर किसी दिन करना पड़ेगा जब वो कहीं ऐसी जगह होंगे जहां उनका कनेक्शन ठीक हो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे। तो मैं उस सवाल का जवाब पूरा कर देता हूँ जो आपने पूछा था, और मुझे लगता है कि इस समय जो भारत में राजनीतिक दल हैं कमोवेश सभी ही ये जो तथाकथित जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं जिसमें ऐसा लगता है कि
निजीकरण अब हमारी एक एक नियति बन गई है और अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और निजीकरण को हमको हर क्षेत्र में अपनाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं अब ये मान चुके हैं उसमें। सिर्फ भाजपा को तो खैर आपने इसके बाहर ही कर दिया है, लेकिन कांग्रेस से लेके और वामपंथी दल तक, क्योंकि मुझे याद है कि जब बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार थी तो उनके मुख्यमंत्री भी विदेशी दौरे कर रहे थे विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए। तो ये जो बड़ा एक रोग लग गया है सबको कि बिना विदेशी पूंजी के या बिना बड़ी पूंजी के, बिना उस प्रकार के हाईवे बनाए हुए, बिना उस प्रकार की मोटर गाड़ियां लाए हुए जिस तरह की व्यवस्था हम अमेरिका में देखते हैं, या ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, और नकल भी हम ऐसी कर रहे हैं कि न सिर्फ हाईवे सिस्टम की नकल कर रहे हैं बल्कि हाईवे पे जो बोर्ड लगता है जो आपको दिशा निर्देश देता है कि कौन सी जगह कितनी किलोमीटर है उसका मॉडल भी वही है जो अमेरिका में लगता है। तो हमने अंधाधुंध जिस तरीके से अमेरिका की नकल की है या दूसरे पूंजीवादी देशों की नकल की है, तो सबके दिमाग में जितने राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि विकास का यही तरीका है। तो किसी तरह से इस रोग से हमको मुक्ति पानी पड़ेगी और विकल्प है, समाजवादी विकल्प है। आज समय नहीं है लेकिन हम इस पे फिर से बात कर सकते हैं कि दुनिया में जो सफल उदाहरण है जिससे जनता को फायदा हुआ है वो समाजवादी उदाहरण ही है। जैसे कि अगर कहीं पे शिक्षा का लोकव्यापीकरण हुआ है तो वो सिर्फ समान शिक्षा प्रणाली से हुआ है, और समान शिक्षा प्रणाली का मतलब होता है सरकार द्वारा संचालित और सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा व्यवस्था। तो चाहे वो अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश हो या वो हमारे पड़ोसी जो विकासशील देश है, ईरान है, श्रीलंका है, ये इन सब देशों में अगर 99-100% साक्षरता की दर हासिल की गई है तो वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो समान शिक्षा प्रणाली का मॉडल है उसी से हुई है। तो हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दिखा सकते हैं कि असल में जो मॉडल सफल रहा है वो तो समाजवादी मॉडल ही सफल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे राजनीतिक दल अब ये मान के बैठ गए हैं कि बिना बड़ी पूंजी के और बिना निजी पूंजी के विकास हो ही नहीं सकता। तो हमें इस रोग से मुक्ति पानी होगी अगर हमें कोई वैकल्पिक विकास का रास्ता चुनना है। रघु जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। रघु जी एक बार आप और कोशिश कीजिए और अगर आपकी आवाज साफ आती है तो हम आपको 10-15 मिनट और सुनना चाहेंगे। रघु जी मैं आपसे कह रहा था, हाँ। मैं जो बात कह रहा था जी, हम लोग रघु जी का कनेक्शन फिर टूट गया है तो अब पंकज भाई भी नहीं है तो वैसे रघु जी फिर कोशिश कर रहे हैं। और जी रघु जी जरा माइक ऑन कर लीजिए, ये बार बार गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। मेरा सुनने भाई है कि हम लोग 3-4 लोग कहीं एक जगह बैठ करके सामूहिक चर्चा करें और वो लोगों से संवाद हो तो अच्छा है, क्योंकि अंततः जैसे मशीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, मशीन उसी अमानी की है। जी जी, हमारा भी जो मशीन उसी जियो वाले का है जी, तो जी, पता नहीं इसमें भी कुछ कारण हुआ कि ये बार बार क्यों असफल हो जा रहा है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हम लोगों के लिए ऐसे कठिन दौर में है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था संवैधानिक संस्थाएं, ये बात सही है, और संवैधानिक संस्थाओं की साख भी खत्म हुई। आज देश में जनता के मन में ना सरकार के प्रति विश्वास है, ना संसद के प्रति है, ना सुप्रीम कोर्ट के प्रति है, और ना किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रति है। परंतु अगर हम लोग इसको कोई दिशा नहीं दे पाए तो ये खतरा लोकतंत्र के लिए पैदा होगा और जो अंततः तानाशाही की ओर चला जाएगा। तो हमको बहुत सावधानी के साथ में अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन की चर्चा हमने की थी, तो किसान आंदोलन के जो मुद्दों के बारे में कहा था कि उनमें भी कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है। अब जैसे किसान आंदोलन में जो चर्चा आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए चाहे वो निजी खरीद वाला हो चाहे कोई खरीद करने वाला हो, ये सही बात है।
एक बात तो मैं पहले बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग तो बहुत बात का है। इस बात की चर्चा सबसे पहले 1960 के दशक में आपको याद होगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। उन्होंने कहा था कि दाम बांधो। लोहिया ने कहा था कि तीन प्रकार के बंधन लगाना चाहिए, दाम पर सीमा, आय पर सीमा और खर्च पर सीमा। और दाम बांधो की जो नीति उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि खेत खलिहान की जो फसल है इसका न्यूनतम दाम तय हो, परंतु साथ साथ जो कारखाने के दाम चीजें उत्पादन की है उनका भी दाम तय हो। तो किसान के लिए न्यूनतम MSP और उद्योगपति के लिए उद्योग अधिकतम MSP, ये सिद्धांत होना चाहिए। वरना अगर थोड़ा बहुत MSP के नाम पर किसान की जेब में कुछ आएगा तो अगले हाथ से दूसरी तरफ से बाजार में वही चला जाएगा, वो किसान फिर यथावत बना रहेगा। तो ये स्वामीनाथन आयोग अधूरा है, लोहिया पूरा है। इसलिए आपसे तो कम से कम ये कह सकते हैं, पंकज भाई से भी कह सकते हैं कि आप लोग उस लोहिया से परहेज ना करें और लोहिया की उन नीतियों के बारे में आज फिर से चर्चा करना शुरू करें जिनके आधार पर देश की भविष्य की आधारशिला बन सकती है। मैं जो दूसरी बात तरफ से और कह रहा था कि जो अभी राजनीतिक दल और नेतृत्व है उनके, ये सभी लोग संसदीय दल के नाते अपराधी हैं और इनके प्रति भी जनता में एक प्रकार की विचष्टा है। अगर किसी को नकारात्मक वोट मिल जाता है तो उस पर बहुत दिन तक गौरव करने की या खुश होने की आवश्यकता नहीं है। और जो दल अभी तक नकारात्मक मत पर जिंदा रहे हैं उनके सामने अब चुनौती आ रही है कि अब लोगों ने उनकी नकारात्मकता को समझ लिया है, तो इसलिए इसका सकारात्मक उत्तर देना यह केवल समाजवादी विचारधारा, और वो भी वो भारतीय समाजवाद जो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के बुनियादी खंभों पर खड़ा हुआ है, ये उस विचारधारा को लेकर चले काम। दूसरा कि नेतृत्व को जो आगे लाना चाहिए, अब भी हमको बहुत परख के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं परख के साथ इसे कह रहा हूं कि हम लोगों के लिए इस समय तलवार की धार पर चलने का रास्ता है। एक तो अब हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व या किसी भी आंदोलन का नेतृत्व केवल जातियों या परिवार तक सीमित ना रहे बल्कि उससे हट करके आम जनता में जुड़ जाए। हजारों लाखों लोग अगर देश में नए नेता तैयार होंगे जो विचारवान होंगे तो रास्ता बन सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन की चर्चा में कर रहा था कि किसान आंदोलन के साथ में अभी हिंदुस्तान के मजदूर आंदोलन को जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि एक कठिनाई भी महसूस कर रहा हूं कि आज जिसे हम लोग मजदूर आंदोलन कहते हैं वो कर्मचारी आंदोलन है, वो कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा अभी सर्वहारा नहीं बचा है तो वो लड़ना नहीं चाहता है। अभी पिछले दिनों हमारी रेलवे यूनियन के एक बड़े नेता से बात होनी, जो एक संस्था के मुखिया हैं, और वो बोले कि हमने सका के लिए हड़ताल की क्योंकि मेरा रेलवे के आंदोलन से बस पुराना संबंध रहा। आप जानते हैं कि मैं तो 74 हड़ताल में भी जेल में रहा था। तो अपने लड़के नौजवान लोग वो आंदोलन नहीं करना चाहते। हमने उससे कहा कि ऐसी बात नहीं है, नए लोग भी आंदोलन करना चाहते हो करेंगे, परंतु उनके लिए जब ये समझ में आएगा कि इस आंदोलन से कहीं समाज बदलना है, इस आंदोलन से कहीं कुछ बदलना है, अब वो इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे कि एक नेता के परिवार के चार लोग की नौकरी चल जाए, उनके लिए उनके परिवार को नौकरी मिल जाए या उनकी कुछ सुविधाएं बढ़ जाए। तो अब हमको कर्मचारी आंदोलन को, किसान आंदोलन को, दोनों को एक बड़े सवालों की ओर ले जाके खड़ा कर देना है कि जो हिंदुस्तान में और दुनिया में गैर बराबरी को खत्म करने का मुद्दा बना है। आज समाजवादी आंदोलन के सामने जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो सबसे बड़ा काम हम लोग साथ बताओ सुदीप भाई, वो काम आप माफ करना कि आपके काम से थोड़ा और आगे जाके कहना चाहता हूँ कि हमें नंबर एक सारे देश में जाके बराबरी की भूख पैदा करना है। आज बराबरी की भूख खत्म हो गई है, बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज कम से कम 7-8 करोड़ लोगों को, 5-7-8 करोड़ लोगों का एक ऐसा हिस्सा है जो अब सर्वहारा नहीं बचा है, जो एक प्रकार से अपर विकास बन के और दवा के तौर पर पूंजीपति बन चुका है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जो लोग अब लड़ने के लिए लड़ना नहीं चाहते कि वो लड़ेंगे नहीं, उनके लिए तो अपनी सुविधाओं भर को चाहिए है, पर हमें अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें लोगों के मन में भूख जगाना है। जो गरीब आदमी है, जो सहारा है, जो तकलीफ में है, उसके लिए लोकतंत्र केवल 35 किलो आलू गेहूं की व्यवस्था बन गई है। उसके सामने कोई अपेक्षा नहीं है, उसके मन में कोई उद्देश्य है, उसके मन में चिंता करना है कि हमको वो बराबरी की चर्चा करना शुरू करें।
देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का किसान बराबरी की चर्चा कर सकते हैं। किसान आंदोलन के मित्रों को अभी इंद्रपट से हमारी जब समाप्त हुई थी, मैंने दो तीन बातें कही थी कि आपका एमएसपी के सिद्धांत बदलिए। एमएसपी के सिद्धांत में किसान के लिए एमएसपी मतलब है न्यूनतम सीमा, और इसके साथ साथ व्यापारी को अधिकतम सीमा हो, ये बात पर जोरदार चाहिए। हमने उसे भी कहा कि अब आपको भी थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। देखिए, एक एलीट क्लास और एक बड़ा क्लास तैयार हो गया है कर्मचारियों में, बहुत सरभारा नहीं बचा, वो मजदूर आंदोलन नहीं। इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन चल रहा है, अभी इसमें मजदूर शामिल नहीं, जो मजदूर खेती कर रहा है हाथ से वो इसमें शामिल नहीं है। ये एक बड़ा अंतर्विरोध है। अगर वो इसमें शामिल नहीं होगा, परंतु उसकी अपेक्षाएं अलग होगी, उसकी मांगे अलग होगी, उसकी बातें अलग होगी, और इन दोनों में कैसे हम संबंध बनाएं बिठाएं कि जो खेती का मालिक किसान है वो भी हमारे साथ चले, बदलाव के लिए चले, बराबरी के लिए चले, और जो हाथ से काम करने वाला मजदूर है, एक बड़ा हिस्सा है, किसान 22 करोड़ लोग तो मजदूर है, तो इन सबको भी हमें एक कार्यक्रम की गुत्थी में गूंथना पड़ेगा। ये बड़े सवाल है संदीप भाई, इन पे थोड़ी विस्तार से चर्चा करना पड़ेगी। ये मशीन हमको बहुत तकलीफ दे रही है, अंबानी सारे देश को तकलीफ दे रहा है, सिद्ध हो रहा कि मैं पक्का भारतीय हूँ कि मुझे भी तकलीफ दे रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट कर हो जाता है, बार बार कट जाता है, बार बार समस्या खड़ी कर देता है, और कभी नेटवर्क नहीं चला जाता है। तो इसलिए मैं ये दो तीन बातें भी कह पाऊंगा, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा और पंकज जी से भी अपेक्षा करूंगा कि कोई ऐसा समय तय किया जाए कि हम लोग एक जगह बैठे, एक जगह बैठ करके पे चर्चा करें और एक न्यूक्लियस तैयार करें, जो न्यूक्लियस भविष्य की राजनीति के नक्शे को तैयार करने का काम करें, और इसमें हम उस सपने को लेके भरें कि जो देश में और दुनिया में बराबरी का सपना हो। अगर बराबरी की भूख पैदा होगी और बराबरी का सपना हम लोग तैयार कर पाएंगे, तो ये सारे आंदोलन सफल हो पाएंगे, आंदोलन कारपोरेट को हरा पाएंगे, वरना फिर कारपोरेट टेक ओवर के नए नए स्वरूप आते रहेंगे और फिर आंदोलन एक सीमा पर जाके सिकुड़ जाएगा। हम चाहते हैं कि किसान सफल हो, हम चाहते हैं आंदोलन हमको इसमें लेकर कि ये किसान आंदोलन देश को बदलाव के लिए एक रास्ता दे सकता है। हमें अच्छा लगता है कि किसान आंदोलन अब अंबानी अदानी नारे शुरू हुए, तो टाटा बिरला के खिलाफ नारे थे, वो सड़क पर मजदूर आंदोलन में सरफारा या कर्मचारी थे, किसी के जवान से भी आंदोलन के नारे निकल रहे हैं कि अंबानी मुर्दाबाद, अदानी मुर्दाबाद, तो ये अच्छा है। और शहर के जो कर्मचारी थे पहले टाटा बिरला मुर्दाबाद बोलते थे, अभी वो अदानी अंबानी का मुर्दाबाद वह धीमे स्वर में बोल रहे हैं, तो इनके स्वर को तेज करना है और दोनों स्वर को मिलाना है। वही सच्चा लोकतंत्र होगा और वो लोकतंत्र कल दुनिया के लिए भी एक आदर्श बनेगा। शिक्षा की चर्चा आपने ठीक की है, हमको फिर लोहिया की याद आती है कि लोहिया कहते हैं राष्ट्र संतान सबको शिक्षा एक समान। अब सबको शिक्षा एक समान देना है, और अभी जैसे कि चर्चा हुई गैर बात की, तो हम इस पर कार्यक्रम बनाना चाहेंगे। अगर इस देश में सबको बराबरी की शिक्षा देना है, सबको निःशुल्क शिक्षा देना है, तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो निजी शिक्षा के संस्थान या दुकानें हैं, इन दुकानों को बंद किया जाएगा, और तो सरकार का भला कितनी बजट लग जाए वो सरकार शिक्षा की शराब सुन जाएगा। और आज क्या हो रहा है, अभी पिछले आप एक साल में देख लीजिए कि सारे देश में 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 15,000 से सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो इस सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आप जरा बताइए कि प्राइमरी से लेकर के और सारी शिक्षा के अंतर्गत में जब सारी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, तो फिर इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? क्या इससे हम लोग समान शिक्षा का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? क्या इससे सबको बराबर की शिक्षा मिल पाएगी? तो इसलिए हमें अब उन उपकरणों को भी सोचना पड़ेगा जो उपकरण इस बराबरी की शिक्षा के सपने को पूरा करने वाले हों, और ये एक गंभीर रणनीति और गंभीर तौर से अपने कार्यक्रम को तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आज आपसे इतनी अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क फिर जाने वाला है, पता नहीं कब चला जाए। हम तो धन्यवाद देते हैं कि जाते जाते रुक गया, तो कुछ बातें करने का मौका मिल गया, कि अब एक बार हम लोग 3-4 लोग 5 लोग इकट्ठे बैठ जाए, वहां बैठ के विस्तार से मुद्दों को लेकर चर्चा करें, और उस चर्चा में फिर और लोगों को भागीदारी बनाए, और राजनीतिक दलों को भी हम इसके बारे में, अब देखिए अभी हमारे वामपंथी दल लोग हैं, मैं कोई बिंदा या आलोचना के लिए नहीं कर रहा, परंतु आज इसको सोचना ही पड़ेगा कि 25 साल के बाद में बंगाल से क्यों उठा गए। अच्छा, यहाँ अगर आप केवल एक बात को लेकर चलेंगे कि साहब गैर भाजपा
तो फिर वहां आप तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करिए, तो वहां पर आप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में एक मोर्चा बना रहे हैं वामपंथी पार्टियों का, किस पार्टी का। तो आज जो मोर्चे बन रहे हैं, ये मोर्चे जो जबान से भले जो बोलते हो, परंतु इस मोर्चों के पीछे केवल सत्ता को हासिल करने की भावना है। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि सत्ता आने से ही सारा बदलाव हो जाएगा। मैं उनसे अक्सर कहना चाहता हूँ कि इसी गलती के चलते, इसी गफलत के चलते पिछले 50 सालों में आप यहाँ पर पहुंचे हैं, हिंदुस्तान की सर्वव्यापी सत्ता से घट करके अब आप कुछ राज्य तलाश रहे हैं कि यहाँ पे आपको खड़े होने का साथ जाए। फिर बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में आदमी टापू का सारा खुलना चाहता है, इस प्रकार से वो बड़े बड़े सत्ता पी सकती है। अब जरा हमको वामपंथी मित्र बताएं भाई, नंदीग्राम का घटना किसने की थी, जिनके लिए आपकी ही सरकार ने निःशुल्क जमीन दी थी खेती करने के लिए, उनकी जमीन को लेकर के उद्योगपति को देने के किसने जमीन दी थी। तो मेरा निवेदन है कि पिछले 15-20 सालों के दौर में तमाम संसदीय दल, तमाम पार्टियां, वो जवान से समाजवादी कहने वाली हो, नाम से समाजवादी हो, गैर समाजवादी हो, ये सब लोग करीब करीब जनता की नजरों में नंगे हो चुके हैं। अब इनके लिए भी कुछ शर्म का वस्त्र देना पड़ेगा और कार्यक्रम की बात को ठोस मुद्दा बनाना पड़ेगा। ये काम हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आवाज आई संदीप भाई? हाँ 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 बिल्कुल, आपका जो, हाँ हाँ आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है। शुरू में जरूर दिक्कत हुई, लेकिन आपका आपका जो आखिरी का करीब 10-15 मिनट का था वो अच्छे से चलिए। तो अंत भला तो सब भला। जी 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 तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब समय भी पूरा हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन आप ऐसे किसी बड़ी जगह रहें, किसी बड़े शहर में जहां से आपका कनेक्शन ठीक हो, तो हम आपके साथ फिर एक वार्ता रखेंगे। लेकिन आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आज कही, और मुझे लगता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं समझता हूँ वो ये कि बराबरी की भूख पैदा करना, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हमारे देश ने ये मान लिया है कि ये जो विषमता है ये रहेगी, और उसको ध्यान में रख के ही नीतियां बनाई जा रही है। कई बार मैं सोचता हूँ, हमारे प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे जो एक बार मंच से ऐलान कर रहे थे कि देखिए मेरी सरकार ने 500 रुपए का विधवा पेंशन दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि भाई 500 रुपए महीने का विधवा पेंशन, ये 500 रुपए में कौन परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार अपना खर्चा चला सकता है। और हमारे अखिलेश यादव जी बड़े गर्व से बता रहे हैं कि हमने 500 रुपए का जो है वो पेंशन, विधवा पेंशन दे दिया। तो अब ये मान लिया गया है कि इस देश में गैर बराबरी रहेगी, और इसलिए जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये कि बराबरी की भूख पैदा करना है, और ये काम निश्चित रूप से समाजवादी लोगों का ही है, और इस काम को हम आगे इसको मजबूती के साथ बढ़ाएंगे इस उम्मीद के साथ। और आपका सुझाव कि हम लोग कहीं बैठें, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी कोई ऐसी जगह पे हम सब लोग मिलें जहाँ पे कि हम सब लोग आपस में मिलके बात कर सकें इन विषयों पे, ताकि आगे का रास्ता और स्पष्ट हो हम लोगों के लिए भी, और उससे देश को भी कुछ फायदा हो, ऐसा कुछ कार्यक्रम हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी आज जुड़ने के लिए। संदीप भाई आपको धन्यवाद, और पंकज भाई को बहुत धन्यवाद। हम तो बड़े माफी चाहते हैं कि क्या करें नेटवर्क की वजह से। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जितना कहा वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको फिर किसी दिन कोशिश करते हैं, जिस दिन आप, हम पहले से पता कर लेंगे कि जहां आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा वहां से आपको जोड़ेंगे। कनेक्शन तो आप ही बनाना पड़ेगा, आपको अच्छा रहेगा। जी जी ठीक, हम इस समय कमजोर इस मशीन में। कोई बात नहीं, जब आप दिल्ली में रहेंगे तो मैं किसी को आपके पास भेज दूंगा एक लैपटॉप लेके। ये ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप ही लीजिए।